नवरात्रि स्पेशल बिना भिगोए साबूदाना का एकदम मज़ेदार रेसिपी बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पे हम एक कप साबूदाना ले लिए हैं। आप बड़ा वाला साबूदाना यूज कीजिएगा, छोटा वाला भी आता है। तो यहाँ पे हम पैन चढ़ा दिए हैं, पैन में एक कप हम साबूदाना को डाल देते हैं और इनको है ना ड्राई रोस्ट करना है बस 5-6 मिनट के लिए। इनमें जो नमी होती है ना इनको बस सुखाना है, तो ज़्यादा नहीं, बस 5-6 मिनट के लिए इनको हम भूंजेंगे और मीडियम आँच पे भूंजिएगा। तो ये देखिए चटकने लगा है, तो ये हो गया। इनको हम ठंडा होने के लिए एक प्लेट में निकाल लेते हैं, तो ये ठंडा हो रहा है, उसके बाद हम है ना इनको पीसेंगे। तो ये देखिए ठंडा हो गया, अब इनको हम जार में डालकर और इनका हम है ना दरदरा आटा बना लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों ज़्यादा फाइन भी आटा नहीं बनाना, बस थोड़ा सा है ना दरदरा रहना चाहिए। अब यहाँ पे हम छन्नी में ना इनको छान लेते हैं, इसमें अगर थोड़ा बहुत कुछ होगा ना तो ये निकल जाएगा। तो ये देखिए इतना दरदरा निकला, इनको हम साइड कर देते हैं। अब यहाँ पे हम 2 उबला हुआ आलू लिए हैं, तो ये उबले हुए आलू हैं, तो यहाँ पे इनको हम है ना आलू को ग्रेट कर लेते हैं, बिल्कुल बारीक ग्रेटर है, इनको ग्रेट कर लेंगे। उसके बाद है ना यहाँ पर हम अदरक और हरी मिर्च का ना दरदरा पेस्ट डालेंगे, या आप इन बारीक काट कर भी यहाँ पे आप डाल सकते हैं अदरक और हरी मिर्च को। उसके बाद जीरा और काली मिर्च का यहाँ पे हम डालेंगे पाउडर। ये हम व्रत के लिए बना रहे हैं दोस्तों, इसीलिए यहाँ पे है ना लहसुन सब नहीं डालिएगा। यहाँ पे हम सेंधा नमक डाल रहे हैं व्रत वाली स्वाद अनुसार। उसके बाद यहाँ पर हाफ चम्मच हम जीरा डालेंगे। उसके बाद बारीक कटा हुआ फ्रेश धनिया। अगर यहाँ पे आप व्रत में कुछ नहीं खाते हैं, जो जो चीज़ नहीं खाते उनको आप स्किप कर सकते हैं, जो नहीं डालते हैं आप। अब यहाँ पे हम है ना आलू के साथ ही है ना पहले हम आटा को गूँथेंगे, उसके बाद है ना पानी लगेगा तो फिर हम पानी डालेंगे। इसमें तो पानी बहुत लगेगा क्योंकि साबूदाना का आटा है ना, ये पानी बहुत सॉक करता है। अब इनको यहाँ पर हम थोड़ा सा पानी डाल के ना इनको हम पहले गूँथ लेंगे, फिर उसके बाद हम डालेंगे। पानी डालते जाइए और ये है ना हार्ड होते जाता है साबूदाना, है ना पानी सोखता है। तो ये देखिए हो गया है। उसके बाद इसको हम है ना 10-15 मिनट के लिए ना रेस्ट में रख देते, उसके बाद है ना फिर पानी लगेगा, तो बाद में मैं आपको दिखाऊंगी। तो इनको हम रेस्ट के लिए ना 15 मिनट रख देते, उसके बाद है ना हम ये नाश्ता के लिए है ना यानी साबूदाना का जो रेसिपी बना रही हूँ उनके लिए हम यहाँ पे ना चटनी स्पेशल बना लेते हैं व्रत वाली। तो यहाँ पे हम जार ले लिए हैं, इसमें हम धनिया का पत्ता डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम डालेंगे दोस्तों 2 हरी मिर्च। ये व्रत वाली चटनी है, आप इस तरीके से चटनी बनाकर ज़रूर खाइएगा, बहुत टेस्टी बना रही हूँ। 2 यहाँ पर हम अदरक डाले हैं, उसके बाद सेंधा नमक और जीरा काली मिर्च का पाउडर और आधा लेमन का जूस। आप ऐसी चटनी बनाए क्या धनिया का? अगर नहीं बनाए तो एक बार ज़रूर बनाइए। यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, अब इनको हम फाइन पेस्ट बना लेते हैं। तो ये देखिए बहुत ही टेस्टी है ना व्रत वाली चटनी बनकर रेडी हो गई है। अब यहाँ पे हम दही ले लिए हैं, दही में थोड़ा सा जीरा काली मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे और थोड़ा सा यहाँ पे हम नमक डाल दिए थे। तो ये देखिए चटपटी चटनी बनकर रेडी हो गई है, नमकीन वाली दही और धनिया पत्ता की चटनी। तो ये 15 मिनट दोस्तों हो गया, तो अब इनको हम चेक कर लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया है, तो अब यहाँ पे हम फिर से पानी थोड़ा थोड़ा डालकर है ना इनको हम सॉफ्ट करेंगे, बिल्कुल सॉफ्ट है ना आटा गूंथना है। तो इस तरीके से ये देखिए हो गया है, ये सॉफ्ट बिल्कुल हो गया। अब इनको है ना चॉपिंग बोर्ड पर हम इस तरीके से लंबा कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा है ना इनका लोई लेके और इस तरीके से शेप आप कोई भी शेप दे सकते हैं दोस्तों। इनको है ना हम लंबा शेप दिए हैं, आप इनको टिकिया के जैसे भी शेप दे सकते हैं। तो इस तरीके से आपको बनाना है और ना ज़्यादा मोटा और ना ज़्यादा पतला शेप दीजिएगा, बिल्कुल इस तरीके से शेप आपको देना है। तो यहाँ पे देखिए हम सारे बना लिए हैं, इस तरीके से आपको बना लेना है। तो मैं ये सेफ दी हूँ दोस्तों लंबा वाला। अब यहाँ पे ऑलरेडी हम तेल गर्म होने के लिए रख दिए थे, तेल बहुत अच्छी तरीके से गर्म हो गई है। तो अब यहाँ पे हम है ना साबूदाना की जो रेसिपी बना रही हूँ ना इनको हम डाल देंगे इसमें। बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी है, बहुत ही ज़्यादा व्रत के लिए एक बार आप ज़रूर बनाइएगा। और यहाँ पर दोस्तों तेल है ना मीडियम रखिएगा
उसके बाद तेल गर्म, ये है ना तेल गर्म हो जाएगी, उसके बाद है ना फिर यहाँ पे आप डालिएगा, और जब ये थोड़ा सा सीख जाएगा ना तो ये ऊपर हो जाएगा, उसके पहले आप अलट पलट मत कीजिएगा। तो यहाँ पे ये देखिए ऊपर हो गया था तेल के ऊपर, इनको हम अलट पलट करके है ना इनको, और गैस का फ्लेम बिल्कुल मीडियम रखिएगा, तेज कर दीजिएगा ना तो ऊपर से जल जाएगा और अंदर कच्चा ही रहेगा क्योंकि ये साबूदाना है ना। तो ये देखिए मीडियम आँच में ना इनको हम कुक कर लिए हैं, तो ये हो गया है, इनका कलर कितना प्यारा आया है ना देख लीजिए। अब इनको हम है ना एक टिश्यू पेपर पे निकाल देंगे ताकि इनका एक्स्ट्रा तेल है ना वो निकल जाए। तो इसी तरीके से है ना दोस्तों हम दोबारा भी सारे जो बचे हुए हैं ना इनको भी हम तल लेंगे। तो पहले देख लीजिए आप कितना बढ़िया लग रहा है ना, तो इसी तरीके से हम इनको भी तल लेंगे। तो ये देखिए मेरा बनकर रेडी हो गया है साबूदाना का, इनको आप बड़ा भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों साबूदाना आटे का बहुत ही ज़्यादा टेस्टी नाश्ता या आप रेसिपी या बड़ा जो भी बोलिए बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है। और ये दही वाली है मतलब नमकीन दही, और उसके बाद वो चटनी, और यहाँ पे साबूदाना का रेसिपी आप देख सकते हैं कितना बढ़िया ये, और इनकी आवाज़ में कितना ये क्रिस्पी बना है ना, और अंदर से सॉफ्ट और ऊपर से है ना कितना क्रिस्पी है। तो दोस्तों आप लोग है ना एक बार नवरात्रि स्पेशल, या फिर ज़रूरी नहीं है कि आप नवरात्रि में, आपकी इच्छा हो ना तो आप डेली भी इनको शाम के नाश्ते में, इवनिंग में है ना स्नैक्स में, चाय के साथ आप इनको खा सकते हैं, या फिर दही चटपटी दही या चटनी या फिर सॉस के साथ आप खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी नाश्ता है, तो एक बार आप है ना नवरात्रि में बनाकर या फिर डेली आपकी इच्छा हो आप बनाकर खा सकते हैं। यहाँ पे हम लहसुन और प्याज नहीं डाले हैं, अगर आप नवरात्रि में बना रहे हैं तो इस तरीके से बनाइएगा, अगर आप डेली अगर बना के स्नैक्स में चाय के साथ खाएँगे ना तो आप यहाँ पर लहसुन और प्याज भी डाल सकते हैं। तो ये हम है ना नवरात्रि स्पेशल बनाए हैं दोस्तों। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरे तरीके से है ना साबूदाने आटे के है ना ये टेस्टी और स्वादिष्ट नाश्ता बनाकर ज़रूर खाइएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।